حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ورفعته وعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم मोहतरम व महतशम नाजरन ग्रामी कदर अलकुम् वबरको अल्लाब्ज़्त का बेानतहा वेपनाह फ़लम उसका एहसान अजीम उसका सदसद सद्ध शिक्र है कि उसने हम तमाम को इंसान बनवाया बनाया शरफुलमखलुक़ात बनाया फिर साथ में मुसलमान बनाया और उसमें अहल सुनत वजमात में पैदा फरमाया अहर रब्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने उम्मत मोहम्मदी बना कर में उस दुनिया में भेजा है जीज़ा ने ग्रामी कदर आज हम जिस मजमून को लिए हैं वो मजमून प्यारे नबी सैद्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह ताली वसम की मक् ज़िंदगी प्यारे नबी आल सलाम की विलादत से कबल के अहवाल विलादत की कैफियत और विलादत के बाद आपकी जवानी और जवानी से आपके अलान नबूत तक यानी हम इसमें दो मरहलों को जिक्र करेंगे यानी इस मजमून को हम दो हिस्सों में तक़सीम करेंगे पहला हिस्सा हम जो ज़िक्र करेंगे वो प्यारे नबी के दौर जाहिलियत के ज़माने से प्यारे नबी की विलादत से और प्यारे नबी की जवानी तक फिर जवानी से प्यारे नबी अलाम की क्या सरगर्मियाँ रही कैसे आपने अपने जवानी के मराहिल को गुजारा है और उसके साथ साथ एलान नबूत तक फिर अलान नबूत से हम जो जिक्र करेंगे हिजरत तक यानी मुकम्मल दो मरहले हम इसको दो हिस्सों में इसको तकसिम करेंगे पहला दौर जाहिलियत से अलान नबूत तक यालान नबूत से हिजरत तक जिजा ने ग्रामी आप जानते हैं कि जो दौर रहा दौर जाहिलियत सबसे पहले एक बात मैं ज़िक्र कर दूँ कि ये रेगिस्तान मल्क अरब की एक अच्छी तारीख है कि उन्होंने अपनी तारीख को मज़बूत रखा और उन्होंने उस तारीख़ को रकम दराज़ किया यानि उसेबंद किया उसको ऐसे ज़ाय नहीं किया बल्कि हर कैफियत को हर हालत को उन्होंने सियाही के जरिए कलम के ज़रिए से महफूज़ रखा कि कई सदियाँ गुजरने के बाद भी वह तारीख़ को हम पढ़ रहे हैं उस ज़माने की कैफियात को हम जान रहे हैं ये एक बड़ा कारनामा है मुल्क अरब का हालांकि हमारा मुल्क सरसब्ज व शादाब है लेकिन यहाँ की अहमकाना हरकतें यह है कि इन्होंने कभी सच्चाई को जिक्र नहीं किया बल्कि तारीख़ ख़लतमल करते हुए यहाँ की कोई मजबूत और सही तारीख़ हमारे पास नहीं पहुँची बरखिलाफ़ इस रेगिस्तानी मुल्क अरब के अहवाल उसकी कैफियात वो तारीख़ में हर तरीके से महफूज है तो वही तारीख़ के ज़रिए से हम हम वहाँ तक पहुँचते हैं तारीख़ इस्लाम के जरिए से या दौर जाहिलियत के अहवाल के जरिए से कुछ किताबें हैं इन शे वीडियो के आख़िर में उन किताबों का तजकरा करेंगे आप उसको भी मुताल कर सकते हैं हम शुरू करते हैं दौर जाहलीत हालाँकि तारीख़ की इब्तदा तो होती है सैदुना आदम सलाम से लेकिन हम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मजमून को मुकम्मल करना है इसीलिए हम सईदाना इब्राहिम से शुरू करते हैं सैद्ला इब्राहिम जो अबिया हैं सदना इब्राहीम अलातुस के बड़े बेटे सैदुना इसमाइल और उनकी वालदा हजरत हाजरा सलातम हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुम से इन दोनों को मुल्क हिजाज एक ऐसी चटियल मैदान ज़मीन में छोड़ दिया था जहाँ पर दूर दूर तक ताहद नज़र कोई साया भी नज़र नहीं आता कोई हरियाली नज़र नहीं आती कोई खाने पीने का साजो सामान या कोई इंसान तो इंसान जानवर भी नज़र नहीं आते ऐसे मैदान रेगिस्तान में आपने अपने बेटे सैदान इसमाइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा को छोड़ा अल्लाह के हुक्म से अब अल्लाह उनका निगहबान रहा आप जानते हैं कि हज़रत हाजरा का सई करना उनकी मेहनत करना पानी का तलाश करना फिर हज़रत सैद्ल इसमाईल ज़बीला वसलाम का रोना और उनका पैरों को ज़मीन पर घसना कि जिसकी बिना अल्लाह ने उस रेगिस्तानी ज़मीन में जहाँ पर दूर दूर तक कोई पानी नज़र नहीं आता वहाँ पर एक ऐसा चश्मा फूटा कि जिससे पानी के फवारे निकले कि हज़रत हाजरा जब आकर देखी तो पानी इतनी तेज़ी से निकल रहा था अगर उनकी ज़ुबान से यह लफ्ज़ न निकलता तो तारीख़ और मौरफिन लिखते हैं कि अल्लाह सुबान वाली उस पानी के ज़रिए से पूरी दुनिया को डुबा देता हज़रत हाजरा ने फरमाया ज़मज़म आहिस्ता से हम कर उन्होंने कहा ज़म ज़म ज़मजम वो पानी के सामने उन्होंने ठहर के कहा इसकी वजह से वो पानी आहिस्ता हो गया वरना होता यह था कि पूरी दुनिया उसमें बह जाती तो आप जानते हैं हज़रत इसमाइल और हज़रत हाजरा वहाँ पर बसे ये मुल्क यमन और मुल्क शाम इसके दरमिया हिस्से में मुल्क हिजाज जिसे आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं तो ये हिजाज की सरजमीन है जहाँ पर सिवाए इन दो हस्तियों के तीसरा कोई नहीं था लेकिन हज़रत हाजरा की हिमत आमली ये थी आपने वहाँ पर जब आपके शौहर हजरत इब्राहिम आपको छोड़ कर गए तो आप वहीं पर चूंकि अल्लाह के हुक्म रहा तो उस हुक्म की तकमील के लिए आप वहीं पर तन तनहा रही और जो काफ़िला वहाँ से गुज़रता और वो पानी का मुतलाशी होता तो आप ये जमजम के पानी की मालिका बन गई थी आपने कहा कि मैं पानी दूंगी, एक शर्त पर कि तुम अपने कबीले को यहीं पर बसाओगे तुम यहीं पर खैमा जन होगे तुम अब यहाँ पर रहोगे मेरी इजाज़त है और ये पानी की जिम्मेदार मैं हुए पानी दूँगी चुनाच इस तरीके से हजरत हाजरा की हिकमत आमली कि वहाँ पर कई कबीले यकबा दीगरे अपना खैमा जन होते रहे जिसकी वजह से ये मुल्क ये हिजाज़ आबाद हो गया और हज़रत इब्राहिम आसाम की जब तलीमत शुरू हुई तो हज़रत इब्राहिम पलटे पलट कर यहाँ पर आए यहाँ पर आने के बाद खान काबा की तमीर मुकम्मल हुई और वहाँ पर आपने जो भी पैगाम इलाही देना था लोगों को अल्लाह की तरफ वहदानियत की तरफ़ बुलाए लेकिन जो जो जू ज़माना गुज़रता गया जैसा ज़माना गुज़रता गया लोग आपकी तालीमत से और आपकी जो तरबियत रही जो वहदानियत की तलीमत रही उससे दूर होते गए हुआ यूँ कि वह जाहलीत का दौर शुरू हो गया ये तमाम जो इबादत के तरीक़े थे वो भूल गए और बेजा में वो पड़ गए तो हम अपने मजमून को शुरू करते हैं दौरे जाहिलियत के बेजा रसूमात से क्या बेजार थे सबसे पहले जो ख़ान काबा मरकज़ था वहदानियत का तोहद का मरकज़ था जिसको कुरान मजीद में कहा गया कि यह पहला घर है इन अवल अबैती खुद आलिनस लदी बिबक्ता मुबारक जो आलमीन के लिए हिदायत वाला है जो बरकत वाला मकाम था पहला घर था इंसानों के लिए आप जानते हैं इसी को लोगों ने बुत परस्ती का अड्डा बना दिया और मरक़ बना दिया तीन सौ साठ बुतों का मरकज़ बना दिया उसके छत के ऊपर भी बुत है और हती के खाने काबा के अंदर भी बुत रख दिए हज़रत इब्राहिम हजरत इसल हज़रत ईसा हज़रत मरियम व सलाम इनके बाबा तस्वीरें इनके मुजस्मे बनाए बना के इसे भी खाने काबा में वो रख दिए और उनकी भी वो इबादत करते बतौर खुदा कहते कि के ये भी हमारे ख़ुदा है हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो मुवाहिद थे यानी खुदा को तो मानते लेकिन ये बुतों की इबादत करते ये समझ कर कि ये बुत हमें खुदा तक पहुँचाने का जरिया है ये समझ कर वो उसकी इबादत करते के जो तारीख़ में जो अहम तरीन जो बुतों के नाम बताए गए वो कुरान मजीद में लात तो अज्जा मनात है और उसके अलावा जो है यगूत है यऊक है बुध है नसर है सुवा है ये बुतों के नाम हैं जो अलग अलग इनके काम हैं कहते कि कोई पानी का खुदा कोई आग का कोई खाने का कोई पीने का कोई सर्दी कोई गर्मी कोई बच्चे देने का फ़लाँ फ़लाँ उनके अपने अकीदे थे तो पहला उनका सबसे बड़ा गुना ये था कि वो खाने का को वत परस्ती का मरकज़ बना दिए फिर दूसरा सितारों की इबादत करते जो सितारे रास्ता तय करने का जरिया था जो सितारों को देख कर वो समझते कि ये हमारे खुदा है चुनाचे जो सितारों के कुछ नाम हैं वो कहते कि दोहरान है मुश्तरी है अतारद है सुहेल है शारतुर है ये सितारों के कुछ नाम हैं जो सितारों का इल्म रखते हैं उनके पास ये, सितारों के ज़रिए से वो कुछ अमलियात भी करते हैं तो ये सितारों के ज़रिए से लोग रास्ता तय करते थे इन्होंने उसको उसकी इबादत में मसरूफ़ हो गए इसी तरह पानी की इबादत होती सूरज की इबादत करते जैसा कि आप जानते हैं हजरत इब्राहीम अलात वाम आप ख़ुद जब देखते कि सूरज तुलू हुआ तो कहते कि ये तो मेरा खुदा नहीं हो सकता क्योंकि इसको गुरूब है चांद को देखते ये खुदा है लेकिन जब सूरज आता तो ये गायब हो जाता तो लेकिन ये जाहिलियत का दौर शुरू हुआ उन्होंने सूरज की चांद की पत्थरों की हत्या कि उनके पास जादूगर थे कहा काहिन हुआ करते जो उन्हें गायब की खबर बताते जबकि उन्हें खुद अपना बारे में कुछ मालूम नहीं लेकिन वो ग़ायब की खबरें बताते उनके पास काहिन हुआ करते वो जो कह देता वो उनके पास हरफ अख़ीर होता शायरी उनकी उर्ज पर थी हर ज़माने में अल्लाह सुबहान ने जहाँ पर भी नबी को भेजा नबी को उस जमाने के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़माने में जो चीज़ रूज पर है वही मुजजा उनको दिया गया चुनाचे हजरत मूसा कलीमुल्ला को आप देखें एक मिसाल के तौर पर ज़िक्र करूँ कि उस ज़माने में जादूगरी जादूगरीज पर थी इसीलिए हज़रत मूसा को ऐसा असा दिया गया जो उनकी तमाम जादूगरी को ख़त्म कर देता इसी तरह प्यारे नबी सला वसलाम को अल्लाह ने ज़ुबान अता फ़रमाई अरबी का जौहर अता अरबी इतनी मजबूत ऐसी फसाहत व बलागत ऐसी बदी ऐसी बयान हुजूर पाक का सलाम का ऐसा बयान होता कि अरब उनके कहते कलिम, एक एक जुमला ऐसा कि हम नहीं ला सकते थे हालांकि उनके पास अरबों के पास उनका जो मजबूत हथियार था वो उनकी शायरी थी अरबी ज़बान पे उन्हें बड़ा नाज था बड़ा फ़ख्र करते हत मेले लगाए जाते और उन मेलों में बैदबाजी होती कौन सबसे बेहतर शेर कहता है देखेंगे जिसका शेर सबसे मजबूत होता आला होता फस अरबी के ग्रामर के अतबार से अरबी के फसाहत के अतबार से जो सबसे उमदा होता उसे खाने काबा पर लटका देते ये उनका तौर तरीका रहा प्यारे नबी सला साम को अल्लाह ने मुज़ा दिया कुरान मजीद के तरीके से कुरान मजीद अदा किया गया कुरान मजीद ऐसा मौजा है जो चैलेंज करता है फ़तु फातु बसूरतम थली तुम तो अरबी जानने वाले हो तुम तो अरबी दाँ हो फसाहत बलागत तो मैारी अरबी तुम्हारे पास है अल्फाज तुम्हारे पास तारीख तुम्हारे पास शायरी तुम्हारे पास है हिम्मत ताकत तो लाओ कुरान की इस जैसी कोई एक सूरत लाओ व अतूबी सूरत इम मिसली मिस लिए वद शहदाक मंदूनी या ले कर आओ जिसको तुम खुदा समझते हो जाओ उसकी मदद ले लो उसको तो बुला लो इनकुन तुम सदकिन अगर तुम इस बारे में सच्चे हो कि ये जो कुरान है ये मोहम्मद रसोल्ला की जानिब से है अगर इस बारे में सच्चे हो तो तुम भी ला के बताओ लेकिन ऐसा नहीं है ये कलाम कलामुल्लह है ना कि कलाम मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल का कलाम नहीं है यह अल्लाह का कलाम चुनना चाहिए ऐसे रसूमात थे एक तो उनके पास ये तमाम जाहिलियती वाली चीज़ें फिर उनके रसमात कैसे बदफाली लेना बदशगुनी लेना कवे को मनहूस समझना कुछ दिनों को मनहूस समझना सिवाय चार महीनों के उनके पास कोई दिन मुतबर्रक नहीं एक है रजब रजब है और जिलहज का मही मुहर्रम रजब है मुहर्रम हैदा जिलहज ये चार महीने अशहरलहरम उनके पास मुतबरक समझे जाते इसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा करते ना कोई आ, कोई फसाद होता ना किसी का कत्ल गारतगिरी होती बल्कि इन चार महीनों में सिवाय इबादत के हती के इसमें कोई जंग हो जाती तो वो क्या करते उसे पोस्टपोन्ड कर देते ये चार महीने गुजरने के बाद उनसे इंतकाम लेते तो ये अशहरालहुरम उनके पास समझे जाते और जो उनके पास है दुख्तरकशी यानी अपने बच्चियों को ख़त्म कर देना यह भी दौरे जाहलीत के सबसे बड़ा जुर्म रहा कि बच्ची को अपने घर में बच्ची की विलादत होना नहुसत समझी जाती उनके फ़ख्र और उनके नसब पर जो उन्हें बड़ा घमंड होता उस पर दाग धब्बा समझा जाता चुनाचे वो क्या करते अपनी फ़्र को बढ़ाने अपने नसब को आला बताने के लिए बच्चियों को दफ़न कर देते मार देते बाज़ तो ऐसे उनमें कबाइल हैं जिनका काम ये होता कि बच्ची की कुछ उम्र होना पाँच साल की हो गई अब उसे कत्ल करना और ज़्यादा उनके पास फ़्र वाला समझा जाता हत्या के तारीख में बताया गया बनो तमीम कबीले का एक बंदा जिसने अपने दस बेटियों को जिंदा दरगोर किया हुआ था जिंदा ने मोहतरम ये वो ऐसे रसूमात है जो इंसानी तारीख को हला के रख देते हैं हजू प पाकाम की विलादत ऐसे माहौल में होती है कि जहाँ पर जाहलीत पर बेजा रसूमाज पर हर एक आदमी मामूली सी बात पर ऐसा झगड़ा ऐसा फसाद शुरू हो जाता कि किस वजह से जंग हुई थी याद नहीं होता बस याद ये या रहता कि फ़लाँ कबीले को हम ख़त्म करना बस यही काम नस्ल दर नस्ल उनके पास होता अब वक्त आ गया था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्लह की विलादत होना फिर उनसे प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होना तो तारीख़ और ख़ानदान रसूल करीम सलासमाम का तजकर ये हिजाज़ में एक खुशी नाम के पैदा हुए कबीले क्रैश से फिर उनके बेटे हुए फिर उन से हजरत हाशिम हुए और उनकी जो शादी हुई उनकी शादी से बेटा पैदा हुआ शैबा और जब हाशिम का इंतकाल हो गया जो अब्दुल मुनाफ के बेटे हैं हाशिम के इंतकाल के बाद आपकी बीवी अपने बेटे शैबा को लेकर मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद वहीं पर वो रिहायश पजीर हो गई जब मालूम हुआ इसको कि हाशिम के भाई मुतलब मतलब नाम था उनका वो अब्द मुनाफ के बेटे हैं तो अब मुतलब क्या किए जब मालूम हुआ कि हिशा, शाम का हाशिम के बेटे हैं और वो बड़े हो गए तो उनको लाने के लिए मदीना आए और लेके जब मदीने से मक्का वापस आए तो लोग समझे कि ये मुत्तलिब के गुलाम हैं तो अरबी में अब्दुल ग़ुलाम को कहते हैं तो उन्होंने क्या किया ये अब्दुल मुत्तलिब है मुत्तलिब का ग़ुलाम है ये बात मशहूर हो गई कि मुत्तलिब कौन है इनका असली नाम शैबा है और ये हुजूर के होते दादा होते हैं दादा होते हैं मुत्तलिब मुत्तलिब का ग़ुलाम लेकिन जब यह बात आम हो गई जब बात इन तक पहुंची, तो मुतलि कहने लगे कि यह मेरा गुलाम नहीं है बल्कि यह मेरा भतीजा है और कबीले खुरीश के सरदार का बेटा है रजीज़ा ने महतरम इस तरीक़े से हजरत अब्दुलमतलब का नाम जो मशहूर हो गया लेकिन हकीकत में उनका नाम शैबा रहा फिर उनको दस बेटे अल्लाह ने अता फरमाए और दसवें बेटे सैद्ना अब्दुल्ला हैं और आप रदी अल्लाह तन आपकी शादी होती है हज़रत आमिना बिन त से उनसे विलादत होती है प्यारे नबी सैदुना मोहम्मद अलैहि वसल्लम की प्यारे नबी की विलादत का साल पाँच सौ इक्हत्तर ईस्वी रहा फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी वन ईस्वी प्यारे नबी की विलादत रही और मक्े में विलादत हुई अब तफसील में गए बग़ैर मैं इख्तसार के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ विलादत किस हालत में हुई तो ये एक ख़ास मजमून है विलादत की एजाज़ान शान क्या है कि अल्लाह ने ऐसी विलादत दी कि विलादत से कबल सईदना सईदतना आमना फरमाती है कि मेरे पेट में मोहम्मद तशरीफ़ लाए तो हाल ये है कि मैं पहले भी मक्के में चला करती काम किया करती अब मैं जब हमल से हूँ अब मैं मक्के में चलती हूँ तो जिस ज़मीन पर पत्थरीली ज़मीन पर मैं चला करती पहले तो वो पत्थर चुबा करते थे लेकिन अब की कैफ़त यह है कि मैं पत्थर पर पैर रखती हूँ तो जो पत्थर पहले चुबा करते थे अब मोम की तरह नरम हो जाते हैं तो यहाँ पर मौरखी इशारा करते हैं बताते हैं कि अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं तो पत्थर को नरम कर दिए जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो संग दिल को भी नरम और मुलायम कर देंगे इस बात की तरफ़ इशारा था हजरत आमिना फरमाती है कि जब मैं कुएँ की तरफ़ जाती पानी सेंचने के लिए पानी खींचने के लिए जाती तो होता यह है कि पहले पानी खींच के निकालती जब से मोहम्मद और रसोल्ला मेरे बतले मुबारक में तशरीफ़ लाए पानी पर जाती हूँ और जैसे करीब जाती हूँ तो डोल के बगैर पानी खुद नीचे से ऊपर तशरीफ़ ला लेता है पानी मेरे लिए ऊपर आ जाता है ये प्यारे नबी के अभी दुनिया में आने से कबल की बरकतें हैं अब दुनिया में आने का वक्त आ गया हज़रत आसिया हजरत मरियम ये हज़रत होरत आदम की जवजा हजरत होवा और हजरत मरीम हैं जो हजरत ईसा की वालदा हैं हज़रत आसिया है जो हजरत मूसी की तरबियत फरमाई ये तीन ख़वात हैं जिनको अल्लाह ने आसमान से जन्त से उतारा है ये रूह पाक तशरीफ़ लाई और हजरत आमना की ये डिलीवरी के ज़िचगी के पूरे अवाल उन्होंने मुकम्मल फ़रमाए जो आमाल थे वो मुकम्मल फ़रमाए आपकी विलादत होती है और प्यारे नबी आ सलात को एक नूरानी फ़रिश्ता जो बड़ा तवील है वो आपको लेकर एक हजर नूरानी में रख देता है और हज़रत अब्दुलमलब चूँकि बाहर गए हुए थे जब पलट कर वापस आए तो घर पर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं एक हजरा नूरानी है और आगे बढ़ते हैं तो वह नूरानी एक जो बड़ा तवील इंसान खड़ा है जो फरिश्ता है वो एक सियाह कलर का वो खड़ा है और उसने कहा कि तीन दिन तक आसमानी और नूरानी फ़रिश्तें की ज्यारत करेंगे बाद आपको देखने का मौका मिलेगा चुनाचे ऐसे ही हुआ हज़रत सैद्ला मोहम्मद रसोल्ला की विलादत हुई प्यारे नबी आलासलम में बेानतहा हया वाले आप। आपके अंदर इतनी शर्म होती कि एक मरतबा खान क़बा की तमीर आप बिल्कुल छोटे हैं पहले तो हाल मैं बता दूँ कि हजरत आमेना से निका के बाद हज़रत प्यारे नबी अपने प्यारे नबी हज़रत आमना के बदने मुबारक में ही है कि हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया पहला ये आसाना हाँ पेश आया उसके बाद प्यारे नबी की विलादत हुई प्यारे नबी की विलादत के बाद रज़ात का वक्त शुरू हुआ रज़ात में ये तरीक़ा रहा अरब का कि वालदा पहले दूध पिलाएंगी उसके बाद उस ज़माने में जो तौर तरीक़ा रहा जो कल्चर रहा वो ये था कि अरबी ज़ुबान में फ़सात गाँव वगैरह कर देहातों में ज़्यादा था अरबी की फसाहत उनके पास ज़्यादा थी तो इसलिए क्या करते कि जो दूर दराज़ के गांव वाले हैं वो आते शहर आके बच्चों को ले जाते और वहाँ पर फ़साहत भी सिखाते साथ में वहाँ का माहौल हरियाली वगैरह से आबो हवा भी पाक होती तो इसलिए वो ले जाना उनका तौर तरीक़ा था तो हज़रत हलीमा सादिया ये लेकर गई दो साल तक वो रजात करते रही इसमें कई नूरानी वाक़ पेश आए एक तो वाक़ ऐसा है कि जिसको ज़िक्र किया गया शर मवाहिब दुनिया में कि हज़रत प्यार नबी वसलाम हज़रत हलीमा सादिया का अगर दूध नोश फरमाते तो सीधी जानब से फरमाते तो बाई जानब का दूध नोश नहीं फरमाते वो क्यों नहीं फरमाते तो लिखा जाता है बताया जाता है इसलिए क्योंकि हजरत हलीमा का एक और बेटा था तो ऱाई बेटे हैं प्यारे नबी उनका अपना असली बेटा वो जिनका नाम अब्दुल्ला जिक्र किया गया वो भी छोटे चीर थे नमौलूद हैं उनके लिए प्यारे नबी इंसाफ़ फ़रमाते और आप दूसरी जानब से दूध नोश नहीं फरमाया करते हलीमा सादिया ये ऐसे कबीले से बिलोंग्स करती थी जहाँ पर बकरियाँ भी है लेकिन बड़ा फ़कर व फाक़ा था लेकिन जैसे ही प्यारे नबी को वो लेकर गई अल्लाह ने इतनी बरकत अता फ़रमाई कि हालांकि दूसरों की जो बकरियाँ होती वो दुबली पतली होती लेकिन हज़रत हलीमा सादिया की बकरियाँ इतनी लहीम शहीम तरोताज़ा होती क्यों इसलिए कि अल्लाह ने इनके ज़रिए प्यारे नबी के ज़रिए से उनके पूरे कबीले को बाबरकत बना दिया था बकरियों में दूध भी इतना होता कि दीगर बकरियों के मद्दे इनके पास ज़्यादा और जो जिस जगह पर ये बकरियाँ चले जाती अल्लाह ने उन ज़मीन को भी जो है हरियाली से भर दिया था इतनी बाबरकत प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ग्रामी है कि जहाँ आप जाते इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी भलाई हो जाती रजिदा तो ने ग्रामी यह रजात है और यहाँ पर हज़रत हलीमा सदिया ने दो साल रखे उसके बाद आपने क्या किया लेकर वापस आपकी वालिदा के पास देने के लिए गई लेकिन हालात यूँ थे कि मक्के में कुछ वबा फैल गई जिसकी वजह से बच्चा मुतासर ना हो ये सोच कर हज़रत आमिना ने हलीमा सादिया को मज़ीद वक्त दे दिया कि वहीं पर रखें तो मज़ीद दो साल और तो तारीख़ में लिखा गया बताया गया कि करीब साढ़े चार साल तक हज़रत हलीमा सादिया के पास प्यारे नबी आलातम तशरीफ़ फरमा रहे उसके बाद हज़रत आमिना के हैंड कर दिया गया हज़रत आमना रजियल्ल्ला तहा प्यारे नबी के साथ क़रीब एक साल या डेढ़ साल के जायद बस रही हैं उसके बाद हुआ यूँ क्योंकि शहर का इंतक़ाल हो गया बड़ी याद सता रही थी तो आपने इरादा किया कि मैं मेरे शहर की खबर पर जाऊँ तो आप मक्के से मदीना आई और मदीना आने के बाद एक महीना आपने रुका और उसके बाद एक महीने के बाद जब पलटे जब वापस आ रहे थे तो दरमियान में एक अबुआ मकाम है वहाँ पर आपकी तबियत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई जिसकी वजह से आपका इंतकाल हो गया आपके साथ एक बांदी थी उम ऐमन नाम था वो आपके साथ थी प्यारे नबी आपके साथ थे चुनाच तो उन्होंने हज़रत अम ऐमन के हवाले रसूल करीम को किया हज़रत महमदोल्ल्ला को कुछ नसीहतें फरमाईं उसके बाद आप इंतक़ाल कर गई ये अजीब अजीब वाकआ था कि प्यारे नबी आसलातलम जब छः साल के हुए हैं छः साल से पहले अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं वालद चले गए यतीमी के हालत में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जैसे ही पैदा हुए वालदा की खिदमत में पहुँचे छः साल के डेढ़ साल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरा कि वालदा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई तारीख बताती है कि अबुआ मकाम पर उम अमन ने ख़बर खोदी और वो बड़े पथरीली ज़मीन थी तो आपने उनको रख कर पत्थर रखे उसके बाद जैसे खबर मुकम्मल हुई प्यारे नबी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ने लगी तो प्यारे नबी है कि वालदा की मोहब्बत में पलट कर ख़बर पर आकर सो जाया करते तकलीफ से रोया करते वालदा को पुकारते लेकिन अल्लाह को मंजूर था ये दुर्र यतीम वापस उम ऐमन के ज़रिए से हज़रत अब्दुलमतलब की खिदमत में पहुँचते हैं हज़रत अब्दुलमतलब हालाँकि बड़े ख़ानदान के मालिक दस बेटे और उनको पोतरे नवाज़ से बड़े बड़े ख़ानदान के मालिक लेकिन हज़रत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत थी आपके बेटे से भी बड़ी मोहब्बत हुई ये प्यारे नबी को अपने साथ रखते इतना साथ अपने ही बिस्तर पर सुया करते अपने साथ खेल खिलाया करते दो साल मज़ीद दो साल आठ साल के प्यारे नबी हुए दो साल प्यारे नबी को अपने साथ रखे जैसे प्यारे नबी आठ साल के हुए ये भी शाय शफ़त इस दुनिया से उड़ गया हज़रत मुत्तलिब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए अब जाने से कबल आपने अपने बेटे हज़रत अबू तालब को बुलाया नसीहतें और औरत महमदर रसोल्ला प्यार नबी को उनके हवाले कर दिया इसलिए हज़रत अबू तालीब को दिया गया तारीख़ बताती है कि अबू तालीब और हज़रत अब्दुल्ला ये दोनों भाई एक वालदा के बतने मुबारक से थे दीगर जो अबू लाहब है हज़रत हमजा है दीगर जो च्चा हैं वो दीगर अजवाज से ताल्लुक़ रखते थे उन वालिदा से थे लेकिन हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला ये दोनों एक माँ के बतन से थे इस वजह से अबू तालिब को बुलाया बुलाकर भतीजे को हैंड ओवर किया था हज़रत अबू तालिब भी चूँकि एक भाई हज़रत अब्दुल्ला थे उनसे बड़ी मोहब्बत थी अब उनकी जौजा भी नहीं है वालिदा भी नहीं वालिद भी नहीं हुज़ूर तो पाक से इतनी मोहब्बत फ़रमाते हज़रत अबू तालिब तालब रद्ल तक के अपनी सगी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते अत की तारीख़ में बताया गया तीरत निगारों ने लिखा है कि दस्तर बिछाया जाता खाना रखा जाता जब तक के प्यारे नबी अलैहि सलात वाम दस्तर खान पर नहीं आते उस वक्त तक हालांकि भूख की शिद्दत होती उसके बावजूद हजरत अबू तालिब अपने बच्चों को भी रुकते अपनी जौजा को भी रुकते ख़ुद भी रुके रहते जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाने से लुकमा नहीं लिया करते इतनी मोहब्बत आपसे थी तो नाचे प्यारे नबी अलैहि व सलाम दस साल के हुए खान काबा का तामीरी वक्त आया खाने काबा को चूँकि जमाने अदीम में उतनी लोगों के पास जराए नहीं थे कि छत डाल सके इसकी वजह से पानी की बारिश हुई सैलाब आया उसकी वजह से खाने काबा की दीवारें मुनहदम हो गई अब वक्त आ गया रसूल करीम सलाम की शूर बेदारी का कि आप लोगों को भी हया की तालीम देते खुद लोगों का अपना एक नमूना पेश करते पैर नबी आसलाम को आपके चाचा हज़रत अब्बास ने आपने फरमाया कि चलिए तामीर में हिस्सा लेते हैं पैर नबी तामीर में हिस्सा लेने आए सब क्या करते अपनी चादर को हटाकर पत्थर उठाकर ले जाते रसूल करीम वैसे ही ले जाते तो किसी ने चादर हटाई हटाते ही क्या हुआ कि रसूल करीम हया के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े एक तो नूरान नूरानी शख्सियत बड़े नूरानी बड़े चेहरा जिसमें मुबारक बड़ा नूरानी जो देखता देखते ही रह जाता उस पर रसूल करीम का हया इतना कि अगर चादर हट जाती तो मारे हया के बेहोश होकर गिर पड़े दस साल हो गए फिर उसके बाद जैसे बारवा साल लगा बारहवें साल में हजरत अबू तालिब के साथ प्यारे नबी आल सलाम ने तिजारत में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी इजाज़त मिली तिजारत में हिस्सा लिए प्यारे नबी हज़रत अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम का सफ़र किए पहली मरतबा मुल्क शाम गए हालाँकि तारीख बताती है बहैरा मुल्क शाम यमन बसरा इन मकाम पर रसूल करीम ने तिजारत के लिए अपने घोड़े को अपने जो भी सवारी था वहाँ पर पहुँचे हैं तिजारत के लिए सफ़र किए हैं मुल्क शाम जब पहली मरतबा गए बारह साल के थे जब शाम पहुँचे तो वहाँ पर बाज़ार में क्या है? एक बहरा राहिब एक ईसाई राहब है पुजारी है वो आलिम भी था उसने आसमानी किताबों का मताला भी किया हुआ था उसने जब रसूल करीम को देखा तो वो नूरानी शख्सियत व चेहरे का नूर वो प्यारे नबी नबीत वसलाम के आँखों का नूर वो चाल चलन वो देख कर अपनी किताबों को खोलता पढ़ते जाता चूँकि उनकी किताबों में आखिरी नबी चूँकि हज़रत ईसा ने फरमाया था बाद बेरसूलियाती अहमद पुराना मजिद मौजूद है ये मेरे बाद एक आएंगे जो बशारतें देने वाले भी होंगे डराने वाले भी होंगे उनका नाम अहमद होगा तो उनका हुलिया मुबारका उनके पास मौजूद था तो वो क्या करते है? पढ़ते जाते प्यारे नबी को देखा जा देखते जाते तो वो समझ गए कि ये आखिरी नबी हैं तो उन्होंने हजरत बालिब को बुलाया बुला के कहा कि फ़ौरी इनको लेकर चले जाओ अगर यहूदियों की नज़र इन पर पढ़ गई और वनी किताबों के जरिए से यह समझ जाएँ कि ये मोहम्मद रसोल्ला है तो इनकी जान को ख़तरा है उसी वक्त हजरत हज़रतलब ने अपने ग़ुलाम के ज़रिए से प्यारे नबी को वापस अपने वतन मुल्क हिजाज यानि मक्के को भेज दिया रसूल करीम आ व सलाम बारह साल से पंद्रह साल अब तिजारत के मराहल तय कर रहे हैं ऐसे बेहतरीन ताजर ऐसी अमानत और सदाकत के साथ ऐसी दयानतदारी के साथ तिजारत करते कि जो बाज़ार होता बाज़ार में हर किस्म के लोग होते लेकिन रसूल करीम की अमानत दारी देख कर आपकी दयानतदारी दारी देख कर वो कहते कि भाई ऐसे दौर में ऐसा बंदा कैसे आ गया वो खुद मुता होते परेशान होते कि ऐसी शख्सियत हमने कभी नहीं देखी ऐसा सच्चा हमने कभी नहीं देखा वो ऐसे परेशान होतेज़ान महतरम रसूल करीम सलासलम की तजारत बढ़ती गई कि हजरत खतीजतलक़्रा रदी अल्लाह ता ये वो शख्सियत है जिन्होंने तजारत में आपकी पहले भी निकाह हुआ बेवा थी और आपके पास माल तजारत बहुत ज़्यादा था आप कई लोगों से तजारत किया करती आपको आपकी एक बाँधी है मैसरा आपका एक ग़ुलाम है मसरा उनको बुलाए और उनके ज़रिए से प्यारे नबी वसलाम की तजारत यानी आपको आपने जो तजारत थी उसका हिस्सेदार बनाया और आपने अपना माल तजारत उनको दिया और प्यारे नबी वसलाम हजरत खतीजा के माल को लेके फ़रोख्त करते अच्छा ख़ासा फ़ायदा होता जयानत के साथ करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता हज़रत खतीजतुल्कबरा देखते गई कि ऐसी अमानत दार शख्सियत ऐसी तजारत जिसमें लोग हेर फेर कर सकते लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसोल्ला नहीं करते चुनाचे आपने हज़रत महम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम को निका का पैगाम भेजा और हज़रत अबूब का वो पैगाम आया हजरत तालिब ने देखा कि भाई मुनासिब है आपने उसकी इजाज़त दी मोहम्मद रसोल्ला भी इसके लिए राजी रहे तो आका करीम सलाम से निकाह हुआ और हजरत तालिब ने खुतबा पढ़ा हजरत निकाह के वक्त प्यारे नबी की उम्र पच्चीस साल रही अब ये जवानी का मरहला शुरू हो गया इजारत ताजिर भी बने और प्यारे नबी के अल्फाज हैं इन नमास्तूल उतमकारी अखलाक मैं क्यों भेजा गया हूँ मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक़ को मुकम्मल करूँ तुम मैं अखलाक का मैार बनाऊँ कुरान मजीद में कहा व इन कलाखल्किनदीम ए हबीब आप अखलाक के अली मीर वाले हैं अखलाक के अली मीनार पर आप गवार हैं ख़र नबी आ सलाम लोगों को तजारत के ज़रिए से अमानतदारी सिखाते दियानदारी सिखाते कि कैसा तुम अमीन और दीनत दार बनकर भी फ़ायदा उठा सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो लोगों को उसकी तालीम देते और जब पच्चीस साल के हो गए निका हो गया हजरत खतीजा की उम्र चालीस साल थी अल्ला ने हजरत खतीजा के ज़रिए से आपको चार बेटियाँ और तीन बेटे अता फ़रमाएँ और हज़रतुल्कब्रा रदी अल्लाह तह यह बहुत शफीक और बहुत मोहब्बत करने वाली रसूल करीम भी आपसे इतनी मोहब्बत फ़रमाते जब भी आपका तजकर होता प्यारे नबी के आँख नम हो जाते और हमेशा हजरत खतीजतल्कब्रा रदी अल्लाह तह कोद फरमाते ये पच्चीस साल की उम्र है अब पच्चीस से तीस को पहुँचे तजारतरूज पर हो गई अब रसूल करीम सलमाम ने समाजी काम शुरू किया समाजी काम क्या है सोशल वर्कर यानी माहौल जो बिगड़ गया जो माहौलियात जो ख़राब हो गए जो अबर जो आलूगी आ गई जो लोगों में जुल्म ज़्यादती हो गई लोगों में एक दूसरे का हक मारना है और जालिम के ख़िलाफ़ कोई नहीं उठ रहा मज़लूम की कोई मदद नहीं कर रहा तो एक अंजुमन बनाई गई अल्फुलफजूल के नाम से एक अंजुमन तैयार हुई जिसमें ये काम होता कि जालिम का मुकाबला होता और मजलूम की मदद किया करते तो ये अंजुमन या आर्गेइजेसन क़ायम हुई जिसमें रसुल करीम भी हिस्सा लिया पच्चीस साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने समाजी काम शुरू किए जहाँ पर ालिम होते उनके उनके मुकाबले में जाते हती कि एक जंग हुई फुजार के नाम से और ये जंग ये अशहरह हहरुरम जो मैंने जिक्र किया रजब मुहर्रम ज़िकायदा जिलहज इन महीनों में ये जंग छिड़ गई तो इसीलिए फ़ाजर व फासिक़ों की जंग कहा गया क्योंकि इसमें वो लोग ये मुतबरक समझते इसमें कोई जंग नहीं करते तो इसमें जंग हुई तो रसूल करीम भी इसमें हिस्सा लिए हालांकि रसूल करीम मार धाड़ इससे दूर रहते थे क्योंकि बेजा किसी से लड़ना उनसे मुकाबला करना ये रसूल नहीं चाहते लेकिन उस ज़माने में तकाजा था लोग इसरार कर रहे थे तो रसूल करीम जंग में हिस्सा लिए लेकिन किसी को मारने धाड़ने के लिए नहीं बल्कि क्या करते तीर उठाते तिर अंदाज जो तीर चलाते थे उनको तीर दे दिया करते बस इतना ही काम आप किया करते तो इसमें आप हिस्सा लिए हरफ उजार में इस जंग में उसके बाद इस समाजी काम में आप शरीक रहे और इसके बाद रसूल करीम सलातम ने जो अखलाकी काम था जो मैार बढ़ाने का था लोगों के अंदर नरमी पैदा करना तो अल्ला रब्ज़्ज़्ज़त ने जैसे ही प्यारे नबी सलाम की विलात होती है हालांकि इतने संग दिल लोग थे कि ख़ुद अपने बच्चियों को दफन करते रसूल करीम की विलादत की बरकत से अल्लाह अल्लाबाना व उनके दिलों में नरमी पैदा कर दी अब वो ख़ुद क्या करते जालिम का मुकाबला करते और मज़लूम की हिमायत के लिए वो भी प्यारे नबी के साथ खड़े करते खड़े हो जाते हत्या कि एक नहीं दो नहीं बल्कि बा बड़ी जमात तैयार हो गई और यके बाद दी गए एक एक कबीला करके एक एक कबीला करके इस अंजुमन का हिस्सा बनते गए चुनाचे उसी वजह से के पूरे अरब में पूरे हिजाज में पूरे मक्के में जहाँ भी जंग होती तो जिस तरह अंजुमन कायम हो गई तो अंजुमन की वजह से लोगों में एक हैबत तारी हो जाती है कि भाई अगर हम मज़लूम के साथ नहीं रहे और जालिम का साथ देंगे तो उनको जवाब देना है और वो एक क़बीला नहीं है बल्कि वो मजबूत क़बीले कबाइल की पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक ने कई कबीलों को ज़ूर पाक उसमें जोड़ते गए तो ये बहुत बड़ा काम रसूल करीम सलाम ने फरमाया लोगों के मजहबी रुझानत होते लोगों के मजहबी रुझान ये थे कि पहले तो बुत परस्ती सितारों की पूजा आग की पूजा पानी की पूजा फलां फलां करते लेकिन प्यारे नबी की विलादत के बाद रसूल करीम सलाम की आमद के बाद अमानत दयानत सदाक़त का जो तालीम रसूल करीम दे रहे थे उसकी वजह से लोगों में एक मजहबी रुझान भी पैदा हुआ कि भाई हम किसकी इबादत करें तो लोगों में अहल किताब पैदा होना शुरू हो गए जो किताबें उनके पास आसमानी किताबें थी जो अपने बाप दादाओं के दिन था अब उसकी तरफ आने लगे तो ईसाई लोग थे वो भी हालांकि गलत रास्ते पे थे वो भी ईसाई किताबें पढ़ने लगे बारह मजहबी रसूमात की तरफ वो बढ़ने लग गए थे इसी तरह रसूल करीम सलातम के चालीस साल मुकम्मल होने के करीब थे कि पैंतीसवा साल यानी रसूल करीम की उम्र का पैंतीसवा साल आया बत्तीस से पैंतीस तक रसूल करीम ने समाजी काम पर बड़ा ज़ोर दिया जब पैंतीस साल के प्यारे नबी हो गए और उस वक्त हज़रत अबू ालिब बड़े कमज़ोर हो गए इतनी कमज़ोरी आ गई कि आपके घर के मामल भी तंगी के साथ चल रहे थे तो आपने अपने चचातलब से कहा और हमजा से कहा कि हम एक काम करते हैं क्या हम काम करेंगे हम ये काम करेंगे कि हज़रत अबू तालिब की मदद करेंगे और मदद ये होगी कि हम मैं अली को लेता हूँ आप किसी और बच्चे की जिम्मेदारी ले लें चुनाचे हज़रत जाफ़र को हज़रत मतलब ने ले लिया और हजरत अली को जो कि पाँच साल के थे प्यारे नबी सलाम ने अपनी परवरिश में उनको ले लिया अपने घर में रख लिया तो ये एक तो हज़रत अबू तालिब की कमज़ोरी थी दूसरा प्यारे नबी सलाम ख़ुद हज़रत अबू तालिब के यहाँ रह कर बड़े हुए इसलिए हक़ भी अदा करना था हज़रत अली को ले लिए हज़रत अली पाँच साल के थे जब एलान नबूत हुआ उस वक्त हज़रत अली की उम्र दस साल की थी आठवें हिस्सा आया नौ आया दस आया जब चालीस साल मुकम्मल हो गए चालीस साल मुकम्मल होने के बाद हुआ यूँ कि जब पैंतीस से चालीस साल का जो अरसा था इसमें जब सब मजहबी रुझाना शुरू हो गए प्यारे नबी सला सामी तो अल्लाह करने लगे इतना आप तन्हाई पसंद हो गए हमेशा तन्हाई में होते हमेशा अपने मबूद हकीकी की तलाश में होते हमेशा जिक्र में होते हमेशा क्या करते रसूल करीम अपनी जवजा हजरत खतीजा को कहते कि टिफिन तैयार करो और आप तोशा ले लेते लेकर गार हिरा चले जाते और वहीं पर तोज्जो इल्लाह करते ये पाँच पैंतीस से चालीस साल की उम्र तक तो यही हाल रहा जब चालीस साल मुकम्मल हो गए तो प्यारे नबी सलाम बैठे हुए थे गार हिर में कि वहाँ पर एक फरिश्ता आया जिसका नाम हज़रत जब्राइल है अलातम वह आए और आपने प्यारे नबी के आप लिटाया और आपका शक्र फरमाया आपके गले लगे और गले लग दबोचा और दबोचने से पहले फरमाया करा पढ़िए तो हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी मैं कारी नहीं हूँ उन्होंने कहा कि फिर पढ़िए इकरा हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी तीसरी मरतबा कहा इकरा पढ़िए तो हुजूर ने फिर वही कहा तो वो हुजूर के गले मिले फरमाते हैं तारीख हदीस शरीफ़ में आता है कि हुजूर को उन्होंने सीने से ज़ोर से दबाया उसके बाद रसूल करीम को फरमाया इकरा करा बिसमिक लदी खल पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने तख्लीक़ फ़रमाई है जिसने पैदा किया तो अलक़ जो तीसरे पारे के आधे पारे पे शुरू होता है उस सूर्य के पांच आयतें सूरत अलग के रबिक ललदि खलक खल्सान मिनाल अरब अल अक्रमद आलमबिलक़लमसानालम आलम ये पाँच आयतें नाजिल हुई प्यार नबी परेशान हो गए और फौरी आप क्या करें घर की तरफ रवाना हुए और जब घर चले गए हजरत खतीजा बड़ी हकीम और दानिशमंद खातून थी हजरत सलाम ने उनसे फ़रमाया ज़म्मी मुझे कोई चादर उड़ा दो सर्दी का एहसास हो रहा था तो उन्होंने चादर उड़ाया उसके बाद आपने पूरा वाकया जिक्र किया कि एक फरिश्ता आया वो फरिश्ता उसने ये ये कहा ये ये किया है तो हज़रत हज़रतुल्कुब्रा अपने कोई कज़न या फुपेरे भाई हज़रत वरक़ा बिन नौफल जो नाबीना ना हो गए थे बड़ी उम्र के हामिल थे और ये क्या किए उनके पास जब रसूल करीम को हजरत खतीजा लेकर गई वरक़ा चूँकि ये ईसाई आलिम भी थे आसमानी किताबों का इल्म रखा करते उनको लेकर गई तो हजरत वरक़ा बिन नौफ़ल ने ये तमाम वाक़े को सुना सुनकर आपने कहा कि ये तमाम बातें इस बात को वाजह करती है कि तुम आखिरी नबी हो और आखिरी नबी का जो जिक्र हमारी किताबों में उस हिसाब से ये आखिरी नबी हैं अल्लाह के आखिरी नबी हैं चुनाचे हज़रत वरक़ा बिन नौफ़ल कहने लगे अगर मैं उस ज़माने को देखता हूँ कि जिस अगर मैं ज़िंदा हूँ मैं रहूँ तो मैं आपका साथ देता लेकिन वो ज़माना आएगा जब आपके चाहने वाले आपके कबीले वाले आपको निकाल फेंकेंगे आपको बाहर कर देंगे अलिया हज़ुर पाक ने फरमाया जो इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं जो तो मुझे अमीन और सादक कहते हैं अमानत समझते हैं वो मेरे साथ ऐसा करेंगे रसूल करीम के बारे में जब ये बातें कही गई तो रसूल परेशान होकर ये कहने लगे हज़रत वार्क़ा कहते हैं कि तारीख तो यही बताती है जब जब कोई नबी आए तो लोगों ने उन्हीं के ख़ानदान के लोगों ने उनका बाइकआउट किया चुनाच तारीख़ में यही हुआ कि जब हज़ुर पाक सलासलम पर पहली वही आई उसके बाद कुछ दिनों तक हजरत ज़बर अमीन रोज़ाना प्यारे नबी के सामने आते और इस बात को यकी बनाते कि मैं फ़रिश्त हूँ तुम आखिरी नबी मोहम्मद रसूल हो कई दिनों तक यही मामला रहा कोई वही नहीं आई उसके बाद आप घर में लेटे हुए थे चादर सर पे थी सदर ओढ़े हुए थे ये कुछ आयतें आपके कान में सुनाई गई या यूहल मुद्दर उम फंदिर वब्ब का फकबर व्या का फतािर ये पाँच आयतें दोबारा उनके प्यारे नबी के कानों में आपने समात फरमाया कि ए चादर को ओढ़े हुए ए कमली वाले उठो डराओ अल्लाह के नाम से अल्लाह की तकबीर बयान करो अल्लाह सबसे बड़ा है और अपने आप को पाक साफ रखो अपने कपड़ों को पाक रखो ये आए थे आई उसके बाद फिर जब गारा गए तो वहाँ से ये वही का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद रसूल करीम सलातम क्योंकि तो अलान नबूत फरमाना था आप 40 साल के मुकम्मल होने के बाद सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और वहाँ से ऐलान फरमाया कि लोगों को कहा कि अगो क्या तुम इस बात को यकीन मानोगे इस बात पर कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे तो सब ने कहा कि हाँ हाँ आप अमीन और सदक हैं सच्चे हैं हम आपकी बात का इकरार करेंगे हम मानेंगे आपकी बात को तो रसूल क़रीम ने कहा तो मेरी इस बात को मानो कि मैं मोहम्मद हूँ और मैं रसूल्ला हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ मैं पैगम्बर ख़ुदा हूँ और मेरे पास वही आती है और कुरान का नज़ूल शुरू हो गया आखिरी नबी हूँ और अल्लाह एक है यह माबूदान बातिल को छोड़ दो ये बुतप्रस्सी को छोड़ दो ये सितारों को आग को पानी को ये पत्थरों को सब को छोड़ दो एक ला शरीक की तरफ आओ तो सब सब ने इनकार किया जिसमें सबसे आगे बढ़कर जो इनकार करने लगा वो आप ही के चाचा अबू लहब है जिसकी एक अलग ही तारीख रही जिसके लिए कुरान में उसके अजाब का भी जिक्र है और उस पर लानतें भी उतारी गई ये सफ़ा पहाड़ को चुनने का रीज़न ये बना किसी और मकाम पर खाने क़ाबा जाकर ऐलान नहीं फरमाए किसी और पहाड़ पर ओहद पर जाकर नहीं फ़रमाए बल्कि सफ़ा पहाड़ को क्यों चुना इसलिए चुना क्योंकि उस ज़माने में उस ज़माने में यह पहाड़ मीडिया का, का काम करता था यानी उस ज़माने में हर बड़ा ऐलान हर अच्छे का बुरे का हर ऐलान उसी पहाड़ से होता था चुनाच रसूल करीम ने भी वही ज़रिया वही सोर्स वही मीडिया को इस्तेमाल किया और वही मकाम को चुना जहाँ से सब ऐलान करते हैं प्यारे नबी ने भी वही मकाम को चुनकर वहाँ से ऐलान नबूत फरमाया तो ये उम्र चालीस साल थी यहाँ पर ऐलान नबूत हुआ जैसे ही ऐलान हुआ पहले ही दिन हजरत हज़रतुल्कब्रा रदी अल्लाह ता जो आपकी महबूब जौजा है आपने ईमान कोबूल फ़रमाया और दूसरे नंबर पर हज़रत अली रदी अल्लाह तु आपने इस्लाम कोबूल फरमाया प्यारे नबी के दोस्त हज़रत अबू बकर द्दी करद अल्लाह तू इन्होंने इस्लाम कोबूल फ़रमाया और जैद बिन हारिसा जो हुजूर ने इनको गोद लिया हुआ था मुँह बेला बेटा था और इनको जो गुलाम बनकर आए थे इनको हुजूर ने आज़ाद भी किया और अपना नाम दिया कि ये मेरा बेटा है लेकिन बाद में जब वही आई कि अपना नाम नहीं इनके वालद के नाम के साथ इनको पुकारना तो चुनाच जैद बिन हारिसा ने भी इस्लाम कोबूल फरमाया तो पहले इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया जीदा ने मोहतरम चालीस साल से तेरह साल मजीद और यानी प्यारे नबी की उम्र के चालीस से तिरपन तक कितने लोगों ने इस्लाम को कबूल किया करीब तीन सौ साढ़े तीन सौ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया कैसे जब ये चार चंद लोग इस्लाम को कबूल किए फिर खुफिया तौर पर तबलीग का काम शुरू हुआ ललल अलान नहीं किए क्यों इसलिए कि अगर सुबह परल एलान होता तो मालूम नहीं कितना नुकसान हो जाता लोग कितनी तकालीफ पहुँचा देते तो खुफिया तौर पर तबलीग का काम शुरू हुआ चुनाचे आहस्ा आहस्ा हज़रत अबू बकर के जो जानने वाले थे उन तक हज़रत अबू बकरान पहुँचाए और ये तमाम चीज़ों को वाज फ़रमाए जिसके ज़रिए से आप तारीख़ को उठाएँगे तो मालूम होगा हज़रत अबू बकर तू के ज़रिए से जो सुबह से पहले इस्लाम को कबूल किए ये जो शर मुबर है अशर मुबरा में से सात लोगों ने हज़रत अबू बकर की वजह से इस्लाम कोबूल फ़रमाया हज़रत साद हज़रत सद हज़रत ज़ुबैर हज़रत हज़रतमान ऐसे अशर मुबशरा में से हैं इन्होंने इस्लाम को कबूल फरमाया अब जब इस्लाम को कबूल करने लगे खुफिया तौर पर तबलीग होने लगी दार अरकम हज़रत अरकम के घर से तबलीग का काम होता वहाँ पर छुप कर इबादतें होती वहीं पर तबलीग होती वहाँ पर जो भी जाते एक एक को पकड़ कर छुप छुपा कर छुप, छुप छुपा कर वहाँ पर जाते एक एक को ले जाते वहाँ पर तब्लीग होती रसूल करीम से मुलाकातें होती और जो भी उनके सवाल इश्लात होते उसे दूर करते और दायर इस्लाम में वो दाखिल होते ये कुफ़ार मक् तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे खुफ़िया तबलीग को भी देख रहे थे अब उन्होंने क्या किया हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तुन हज़रत बिन यासर हज़रत यानी अब इन्होंने क्या किया बदला लेना यानी जो इस्लाम लाए उन पर सख़्ती करो उन्होंने क्या किया सज़ा देना शुरू कर दी हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तु है जिनके तकलीफ के बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके साथ क्या क्या होता गर्म गर्म पत्थर वाली ज़मीन ऐसी के पैर रखने नहीं आता वहाँ पर सीने के बल लेटा देते पीठ पर बड़ा पत्थर रख देते हाथों को बन देते और रस्सियों से मारा करते हाथों को रस्सी बनकर बच्चों के शैतानों के हवाले कर देते बच्चों के तो पूरा शहर वो घुमाया करते पत्थर बरसाते उसके बावजूद हजरत बिलाल है कि सिर्फ़ अहद अल्लाह एक है अल्लाह एक है यही उनकी ज़ुबान से निकलता महमदर रसोल्ला आखिरी नबी यही उनकी ज़ुबान से निकलता हज़रत अम्मार के वाल हजरत यासर उनकी वालद हजरत सुमैया ये बादी ग़ुलाम थे इनका इस्लाम कबूल करना कि इनके जो मालिक थे अबू जहल वगैरह इन्होंने इन पर जुल्म किया और इन्हें कत्ल कर दिया हज़रत समैया है जो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया तबलीग इस्लाम इस्लाम इन तक पहुँचा और इन्होंने इस्लाम को कबूल फ़रमाया अबू जहल की बाँधी थी आपने अबू जहल की बांदी हजरत समैया आपको कई तरीके से लालच, लालच देता कि ये कर लो मैं छोड़ दूँगा वो कर लो लेकिन आप है कि सिर्फ़ अहद की गवाही देती हमेशा इलिम शहादत ज़बान पर तराने की तरह जारी रहता ये पहली खातून हजरत समैया है जिन्होंने इस्लाम की राह में पहली खातून शहीद कहलाती है रसूल करीम सलातम ने तीन साल तक यही तरीक़ा रहा कि खुफिया तौर पर तबलीग होती थर्टी नाइन थर्टी एट लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था इतने तीन साल में उसके बाद हरत अमर रदी अल्लाह तु ने इस्लाम कोबूल फ़रमाया आप जानते हैं हजरत उमर का इस्लाम लाना किस इस तरीके से हुआ आपकी बहन वही इस्लाम को कबूल कर लिए आपकी बहन इस्लाम को कबूल कर लिए जब हजरत उमर रजी अल्लाह तुन ने कुरान मजीद की तिलावत सुनी तो दिल में घर कर गई दिल में नरमी पैदा हो गई क्योंकि रसूल करीम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब खत्ता उमर बिन हिशाम इनके ज़रिए से मेरे इस्लाम को तेरे दीन को फौकीत और क़ुव्वत अता फरमा तक़वियत अता फरमा अल्लाह ने हजरत उमर बिन खत्ताब को चुना जी हज़र उमर बिन खत्ताब को चुना हजरत उमर रदी अल्लाह तहु चालीसवें नंबर पर इस्लाम कोबुल फरमाए जैसे आपने इस्लाम को उबुल फरमाया आपने ऐलान किया कि यारसोल्ल्लासम क्या अकबर नहीं है क्या हमारा खुदा अकबर नहीं है क्या हम अकबर नहीं, नहीं है क्या ये बातिल नहीं है क्या इनके खुदा बातिल नहीं है जब है तो हम क्यों छुप कर इबादत करें चुनाचें कवत मिली और ये तमाम लोग आ, सर रसूल करीम के साथ हजरत उमर ने कहा कि चलो बाहर हम आने काबा में हम नमाज़ पढ़ते हैं चुनाचे हजरत उमर ने तमाम सहाबा को अतराफ़ में किसी एक लाइन इधर एक लाइन इधर पीछे कुछ लोगों को सामने कुछ लोगों को करके बीच में मरकज़ी शख्सियत मोहम्मद रसोल्ला को लेकर आने काबा की तरफ़ चले और सामने हजरत उमर नंगी तलवार लेकर चलते चुनाचे इस तरीक़े से पूरे कुफ़ार मक् पर एक रौब और एक दबदबा पड़ा और वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहली नमाज़ अदा हुई ये रसूल शुक्राने के तौर पर खाने काबा के अतवा हुआ और वहाँ पर सद शक्र अदा हुआ यह रसूल करीम सलाम ने हज़रतमर के इस्लाम लाने के बाद खाने काबा में पहली मरतबा सद शुक्र अल्लाह के लिए अदा हुआ इस तरीके से रसूल करीम सलामाम ने तबलीग का काम शुरू किया जिसमें कई शहादतें पेश आईं अब हुआ यूँ कि कुफ़ार मक् को बर्दाश्त नहीं हुआ अब ये चालीस के बाद अब एक तारीख हम मैं जिक्र करूँ पहली नबवी नबूत का पहला साल नबूत का दूसरा साल नबूत का तेरवा साल यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये तेरह साल है जिसको नबूत का पहला साल दूसरा साल ऐसा कहते हैं तेरह साल के बाद हिजरत हुई मक्के से मदीना तो अब यहाँ से पहली हिजरी शुरू हुई तारीख़ ऐसा जिक्र की गई क्योंकि उस ज़माने में कोई डेट तो थी नहीं तो उसको कैसे याद रखा गया पहली नबूत का पहला साल पहली नबवी दूसरी नबवी इस तरीके से इसको जिक्र किया गया चुनाचे रसूल करीम सलात वसलाम उमर जिस चीज़ का हुक्म दिया गया था उसे बरमला अलल अला अलान जाहिर करने लगे और लोग खुफ़िया तौर पर थे अब अल अला अलान इस्लाम को और ख़ुदा की तोहद का जिक्र शुरू किए कुरान मजीद को जब हम बगौर मताल करेंगे तो क़ुरान मजीद का दो हिस्से यानि कुरान के तिहाई तीन हिस्सों में दो तिहाई मक्की सूरतें हैं मक् में नाजिल होने वाली आयतें हैं और एक हिस्सा कुरान का यानि यानी नाइन्टी परसेंट मक्की आयतें दस परसेंट मदनी आयतें ढाई सौ पारा तो मुकम्मल मदनी है लेकिन उनतीस तीस पूरा मुकम्मल मक्की सूरतें हैं तो इस तरीके से मक्की आयतें ज़्यादा है इसमें एक छोटा सा फ़र्क मैं आपको जिक्र कर दूँ कि जो तबलीग मक्के की रही और जो मदीने की रही जो आयतें मक्के की रही जो आयतें मदीने में नाजिल होने की रही इसमें एक फ़र्क रहा फ़र्क क्या रहा खुदा की सुनत रही और रसोल करीम का यहीमल रहा मक्की आयतें जितनी होती ये पूरी तोहद पर है खुदा के तारुफ के लिए है खुदा का वक़ार बताने के लिए है वाहशरीक की तलीमत है यानि रसूल करीम सलातम की आदमत आपकी रिफायत, आपकी शान आपका जो मकाम व मरतबा है आपके दर का आदाब जो भी सिखाए गए कुरन मजीद के ज़रिए से वो तमाम मदनी आयतें हैं मक्की आयतें तोहद की है हालाँकि और एक एक बात जो मक्की आयतें हैं ये तो पर रही इसलिए तोहद पर रही क्योंकि यहाँ पर इनका जो मुखातब है जिनसे खिताब हो रहा है ये मुसलमान नहीं थे बल्कि मशरकिन हैं अब मशरकिन के लिए जो आयतें उतरनी थी वो तो के लिए थी तो आयतें थी जिसमें खुदा को एक बताना होता शरीक कौन है बताना होता तो मक्की आयतें जितनी हैं और बड़ी बड़ी आयतें हैं छोटी छोटी आयतें भी है लेकिन ये आयतों का जो आ, जो असल मवाद रहा वो ये है कि मक्की आयतें तोहद पर है और मदनी आयतें रसूल करीम के अजमत को बताती हैं आपके शान को बताती हैं वो ऐसा क्यों इसलिए कि मक्के में कुफार थे अब मदीने में मुसलमान थे तो जब सामने कुफार होंगे तो तवीद की दावत होगी और सामने अगर मुसलमान हैं तो अजमत मुस्तफ़ा पर बात होगी ये एक अल्लाह की सुन्नत है लेकिन अब मामला उल्टा हो गया मुसलमानों के सामने तोहद की दावत है उनके सामने अजमत मुस्तफ़ा कोई जिक्र ही नहीं करता लेकिन अल्लाह की सुन्नत ऐसी नहीं है अलगर प्यारे नबी सला सलाम का हिजरत ऐलान के बाद पहली नबवी में दूसरी नबवी तीसरी नबवी ये नबूत के तीन साल खुफिया तौर पर तबलीग हुई पाँच साल हुए फिर उसके बाद रसूल करीम सलातम पाँच से दस तक क्या हो गया पाँच से दस तक इन्होंने एक काम किया क्या उन्होंने क्या किया रसूल करीम सलातम बनो हाशिम क्योंकि रसूल करीम आठवीं जब नबूत आई तो ये हुज़न वाला साल हो गया ये हज़रत खतीजतलकुब्रा का भी मिसाल हो गया और हज़रत अबू तालिब का भी मिसाल हो गया रसोल करीम के दो जो ज़बरदस्त सपोर्टर्स थे इसके ज़रिए से रसूल करीम हमेशा आगे बढ़ा करते इससे बड़ा हिम्मत मिला करती ये दो हस्तियाँ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हजरत खतीजा भी गुज़र गई और हजरत अबू तालब भी गुज़र गई इसको याद रखने के लिए इसे आमजन का नाम दिया गया रंजीतगी गमों वाला साल प्यारे नबी आ सलातम पर यहाँ पर एक और ये हो गया कि प्यारे नबी ताइफ का सफ़र किए ताइफ़ से जब वहाँ पर हदर अपने जो मुँह बोले बेटे जैद बिन हारिसा थे उनको साथ ले गए वहाँ के कुफ़ार से वहाँ के सरदारों से मिले दीन की दावत पेश की उन्होंने दीन को तो मानना दूर की बात था उन्होंने रसूल करीम पर ज़्यादती करनी शुरू की हती के बच्चों को पीछे लगा दिया पत्थरों की बारिश कर दी हती के प्यारे नबी को लहूल्हान कर दिया आप जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई रसूल करीम फ़रमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी तकालीफ दिए हैं कि हजरत आदम से लेकर इसी सलाम तक किसी नबी पर इतने मसाइबा नहीं कि जितने मसाइबा मुझे एक बार नाजिल किए गए इतने मसायबा और इतनी आजमायश मुझ पर है चुनाच दस नबवी आई कि रसुल करीम सलातम पर कि आम उलहुजन का साल रंजीदगी का साल गमों का साल हो गया उसके बाद यूँ हुआ ये कुफ़ार मक्बी की भी इजादति इतनी हो गई कि उन्होंने रसूल करीम को और आपके सहाबा को तकलीफ़ देने लग गए जो इस्लाम लाता चुना चुनाच हजरत उस्मान के बारे में बताया गया कि आपके चाचा आपको चादर में लपेट कर मारा करते नीचे से धुआं उल्टा लटका कर धुआं देते हजरत सईद बिन मुसीब का वही हाल उनको तकलीफ़ देते तो ऐसा कि नाज नखरों से पले गए ऐसे कपड़े पहनते कि बाज़ार में कोई उन जैसा कपड़ा पहनता नहीं था जब इस्लाम को कबूल किए तो आपको घर से निकाल दिया गया कि आपके जिसम से कपड़े भी उतार दिए गए आपको बरहाना कर दिया गया था इतनी तकलीफ दी गई सहाबा को उसके बावजूद उन्होंने रसूल करीम के साथ को नहीं छोड़ा पूरी वफ़ादारी के साथ वहाद शरीक की इबादत में मसरूफ रहे आमुल आमसन आया इसमें तकलीफ़ बढ़ गई अल्लाह ने तहाँ पर मेराज करवाई ये जो सुबहान लधि असरा बमद ही सर बनी इसराइल की पहली आयत पंद्रह पारे में पहला सूरा यहाँ पर वाक़ मेराज पेश आया जहाँ से रसूल करीम के तकालीफ़ को कम करने के लिए अल्लाह ने आसमानों की सैरवर करवाई जन्नत दोजख को बताया मेराज हुई वहाँ पर नमाज का तोहफा दिया गया तो ये पहला साल नमाज के फ़र्ज़ होने का जो मक्की ज़िंदगी में अलान नबूत से हिजरत तक इसमें जो पहला काम हुआ वो काम क्या था कि मेराज होना और दूसरा काम नमाज की फर्जियत होना अब यहाँ से जो काम शुरू हो गया अब ये ये कुफ़ार मक्का ने क्या काम किया के रसूल करीम का और बनो हाशिम का यानि बनो हाशिम का और जितने रसूल करीम के सपोर्टर्स हैं जितने मुसलमान हैं इनका बैकआउट किया बल्कि तीन साल तक इन्हें शहर मक्का से निकाल दिया गया रसूल करीम अपने सहाबा के साथ एक घाटी में चले गए जिसे शोब अभी तालिब कहा गया वहाँ चले गए तीन साल तक उसी जंगलात उसी घाटी में रहे जहाँ पर इतना फ़ख्र था इतना फाक़ा पड़ा कि एक एक हफ़्ते तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता उसके बाद फिर अल्लाह ने उनके दिलों में नरमी डाली कि वो ख़ुद वापस उन्हें बुला लिए तो इसमें हुआ यूँ कि ये जब घाटी में चले गए तो दूर दराज से कई कबीले आते कई काफ़िले आते तो इनसे होकर जाया करते थे तो जो भी इधर आता तो रसूल करीम से मुलाकात होती रसूल करीम उनसे तबलीग़ करते उन्हें इस्लाम और दावत की तोहद की दावत देते जिसकी वजह से ये बात दी एक हुआ बेतबा पहली बेत हुई जिसमें करीब छः लोग इस्लाम को कबूल किए जिसमें गफारी भी है फिर उसके बाद दूसरा आया काफ़िला जिसमें बारह लोग इस्लाम को कबूल किए और ये क्या किए ये तमाम के तमाम लोग यसरब मदीना के थे मदीने को पहले यसरब कहा जाता मदीने के लोग थे तो ये लोग क्या करें रसूल करीम से ये अहद किए कि हम इस्लाम को कबूल करते हैं और हम इस्लाम का, का काम अपने शहर में करेंगे चुनाचे वो गए और वहाँ पर जाकर दीन का इतना काम किए कि अल्लाह के फजल से और रसूल करीम की दावत ऐसी उन तक पहुँची कि आप जानते हैं कि जब हिजरत का वक्त आया तो कैसा आया कि मक्के में उतने मुसलमान नहीं थे जितने मदीने में मुसलमान मौजूद थे और हबशा भी कुछ मुसलमान चले गए क्योंकि यहाँ पर बाइकआउट किया गया मुसलमानों का तो कुछ मुसलमान रसूल करीम से इजाज़त लेकर हबशा चले गए हबशा चले गए और हबशा का जो बादशाह था नजाशी वो बड़ा नरम मिजाज था उसने उनको पना दी पहले बारह लोग गए फिर उसके बाद करीब नव्वे लोग गए उन तमाम लोगों को वहाँ पर उन्होंने मकाम दिया मकान दिया रहने के लिए इजाज़त दी अब कुफ़ार मक्का को बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने क्या किया दो लोगों को भेजा कहो कि उन्हें वापस कर दे बादशाह नजाशी से कहो कि वो बागी है, उन्हें वापस भेजे जब वो वहाँ पहुँचे तो बादशाह नजाशी ने इनकी भी बात सुनी और इन मुसलमानों की बात भी सुनी सुनकर उसने फैसला किया कि इन्हें वापस नहीं किया जाएगा चुनाच ये खाली हाथ वापस दोनों हो गए और इन्हें यहीं पर रखा गया अल्लाह के फ़जल से इसी तरीके से वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे लेकिन जब ऐलान नबूवत का वक्त हुआ था तो तन तनहा थे लेकिन जब अभी हजरत का हुक्म हुआ कि हिजरत करो मक्के से मदीना तो रसूल करीम ने इन तमाम को हुक्म भेजा कि हम मदीना जा रहे हैं तुम भी हिजरत करो चुनान हबशा से तमाम मुसलमान भी आ गए और यहाँ से जो मुसलमान होकर गए वो भी तबलीग किए जिसकी वजह से कबीले के कबीले मुसलमान हो गए रसूल करीब मक्के से मदीना पहुँचते हैं जैसे मदीना पहुँचे हजरत अबू बकर को साथ लेकर गए वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की छोटी बच्चियाँ जो गुनगुनाती हैं तला बद्रल ये जो तराना है कि उन्होंने सबसे पहले वो अशार पढ़े कि हम पर बद्र का चांद तुलू हो गया चुनाच अजीज़ा ने व नाजरीन मोहतरम इस तरीक़े से ये हिजरत हुई और वहाँ पर पहुँचने के बाद मदीना में पहुँचे अदरत अयूब अंसारी रदी अल्लाह तहु के घर पर आपकी ऊँट नहीं रुकी ये भी तफसील से जब हम मदनी ज़िंदगी का तस्करा करेंगे तो हम तफसील से जिक्र करेंगे इस तरीके से मक्से से मदीना की हिजरत हुई यह रसूल करीम की मक्की ज़िंदगी है जिसमें रसूल करीम सलासमाम ने तजारती काम किए अमानतदारी दारी के साथ लोगों को उसकी तालीम भी दी फिर उसके बाद आपका निकाह भी हुआ आपको बच्चे भी हुए फिर उसके बाद आपने समाजी काम भी किया खान कह की जिम्मेदारी भी ली खान कहबा में जो लोग आते थे उनके लिए क्या क्या दावत हो सकती वो काम भी करते उनकी खिदमत में हिस्सा लेते और इसी तरीके से ख़ान कह को पूरा पाक फरमाया फरमायालान नबूत हुआ उसके बाद तीन सौ साढ़े तीन सौ लोग मक्के के पूरी मुकम्मल मक्की ज़िंदगी में इस्लाम को कबूल फ़रमाए जब मक्के से मदीना आए करीब तीन सौ साढ़े तीन सौ थे लेकिन हिजरत के बाद से आठ साल में अल्लाह ने दस हज़ार लोगों को इस्लाम से मुशरफ फ़रमाया फिर उसके बाद जो आख़िर खुतबा दस साल में हुआ ये हिजरत शुरू होती है मदीने को आने से पहली हिजरी कहते हैं रसूल मक्के से जब मदीना आ गए तो वो पहली हिजरी तो दस साल मदीने में रुके या दस साल में अल्लाह ने एक लाख दस हज़ार लोगों को इस्लाम में वो लोग दाखिल हो गए मुसलमान हो गए थे मक्की ज़िंदगी है तो नाजरीन मोहरम इजाजत दीजिए इन शह किसी और मौके पर मद्दनी मदीनी मदीना की जो ज़िंदगी है उसमें क्या जंग हुई कैसे जो है साहबा के राम ने अपनी कुर्बानियाँ पेश फरमाईं पहली जंग जंग बदर है उहद है कितने ग़ज़बात हुए करीब एक सौ से ज़्यादा ग़बात हुए उसमें रसूल करीम का हिस्सा कितना रहा उन तमाम पर हम जिक्र करेंगे अल्ला हम तमाम को कहने से ज़्यादा बोलने से ज़्यादा महमदुररसोल्ला सल्ला तसल्म से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाएँ